हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इन फोकस स्टडी। इन फोकस स्टडी इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द आंसर्स ऑफ क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग सेल्फ। देखो, मैं कुछ आंसर्स तो आपको बता सकता हूँ, बट आपको ना मैं एक सजेशन देता हूँ कि इसके जो ऑफिशियल आंसर की सीबीएसई इशू करती है वो हम देखो अभी तो रिलीज़ नहीं कर सकते, बट शाम के टाइम मैं ट्राई करूँगा रिलीज़ करने का, ठीक है? तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ताकि मैं जैसी शाम को अगर वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास मैसेज आ जाएगा ना, आपको चेक करते रहना पड़ेगा। सो बेटर रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि शाम को वीडियो अपलोड होते ही आप सारे आंसर्स मैच कर लें, ठीक है? हम अब बाकी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है, एक पद इन उत्तर, ठीक है? तो एक पद में इनको उत्तर देना है, कूत भूज कलन से घटना वर्धती संति, ठीक है? तो आंसर्स फाइंड करते हैं। वर्तमान समय विश्व समय से क्या समस्या आंसर ताशु परिवहन समस्या प्रमुख होती है। हाँ, तो इसका आंसर मिल गया हमें पर्वत क्षेत्रीय, क्या होगा? पर्वत क्षेत्रीय, ठीक है? तो पहले का आंसर मिल गया पर्वत क्षेत्रीय होगा। दूसरा, केशव कीर्तन बहु लताए भवन थी। देखो, सिंपल आपको वर्ड मैच करने होते हैं, फिर आपको आंसर बहु लताए ढूंढते हैं अपन लोग, ठीक है? तो बहुलताएँ कहाँ पे हैं? हाँ, ये रहा, ठीक है? हाँ, ये रहा, यहाँ पे पूर्थात वृक्षान कीर्तन बहुलताएँ भवंती, ठीक है? तो वृक्षान हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेकंड का राइट मिल गया हमें के जनहानि प्रतिदिन वर्धते, ठीक है? तो जनहानि ढूंढते हैं, तो ये इसका भी आंसर मिल गया प्रदूषण तरंगे, ठीक है? प्रदूषण, ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको पूर्ण वाक्य में आंसर देना है, ठीक है? तो पूर्ण वाक्य में आंसर कैसे देते हैं देखते हैं, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है महानगरेषु कस्य समस्या सर्वत्र वर्तते, महानगर की कौन सी समस्या सारी जगह होती है, ठीक है? तो महानगर वाला देखते हैं एक बार, देखो महानगर, हाँ ये रहा, ये रहेगा, ठीक है? हाँ, अर्धवयम पश्चात ये तो महानगर प्रदूषण समस्या सर्वत्र वर्तते, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण ने पुनः संतुलन स्थापित की कर, पर्यावरण को पुनः स्थापित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर देखो यहीं दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेकेंड का राइट हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वसा समस्यानु मूल कारण किम, सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है, ठीक है? तो एक बार इसका भी आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद अर्धवयम पश्याम अतिकीर्त पदम किम, कीर्त पदम क्या है, ठीक है? तो अर्धवयम पश्याम, वयम हो जाएगा, वयम है ऑप्शन में, हाँ जी वयम, इसका मानव इतस्य समानार्थी, समान क्या होगा, मानव का क्या होगा, देव मन, अब देखो मनुष्य इसमें देखते हैं, मनुष्य होगा, मानव का क्या होगा, मनुष्य, ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर विश्व से समक्ष अनेक समस्या संति, इसमें विशेषण क्या होगा, तो विश्व के सामने अनेक समस्या, अनेक हो जाएगा, ठीक है? अनेक अनेक है, हाँ अनेकता हो जाएगा, ठीक है? महानगर प्रदूषण चलती थी, क्रियापद क्या है, तो महानगर प्रदूषण समस्या, समस्या है, ठीक है? समस्या हो जाएगा, हाँ प्रदूषण समस्या इसका क्रियापद हो जाएगा, ठीक है? फिर ये आया था आपका एक लिखने का चित्र देख के बताने का, तो आप इसको इजीली बना सकते थे, इसको तो आंसर मैं नहीं दे सकता। इसको क्या करना था, संस्कृत भाषाएं अनुवाद करना था, तो इसका सिंपल मैं बोलूँ, आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते थे, ट्रांसलेट कर लेना, आप देख लेना आपका आंसर सही है या नहीं। फिर संधि विच्छेद करना था इसका, सप्ताहांते, ठीक है? तो ये ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चन का आंसर है, पहला था किंग नोज द एनिमी, राजा शत्रु जानाती, ठीक है? ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य वदतु, आई वॉच मूवीज, अहम चलचित्र पश्यामि, यू बोध गो भवनतो गच्छम,
गिरीश विल रीच द लेसन. गिरीश पाठ पचंती. इट्स टुडे रेनिंग टुडे. अर्ध वर्षा भवंती. ठीक है, तो देखो ये इजी था, आप इसको ऐसे आंसर चेक कर सकते थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग. ठीक है, तो पहले का जो संधि विच्छेद होगा उसका होगा सप्ताह प्लस अंते, सॉरी आधा ना और तो पे ऐसी मात्रा अंत. ठीक है, ये करके हो जाएगा. दूसरा भी बताता हूँ आपको मैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं. हमारा सूर्य उदय, तो सूर्य उदय का सिंपल सा देखो क्या होगा आपका. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सूर्य उदय तो इसका होगा सूर्य, ठीक है ऐसे हो जाएगा. इसके बाद है छाया युग, तो छाया युग का क्या होगा, छाया हो जाएगा. क्या हो जाएगा, छा देखो, तो छा बनाना है आपको पे ई की मात्रा और वो छाया. ठीक है, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो. क्या है यथम, तो इसका क्या हो जाएगा, यत प्लस इच्छम, य प्लस. ठीक है, तो ऐसे ही हमारा ये छेम का हो जाएगा, क्या होगा, यच प्लस इच्छम. न प्लस एव क्या हो जाएगा, देखो न है और ए, तो ये ए की बड़े की मात्रा हो जाएगी जो कि बना देगा नेव. क्या बना देगा, नेव. ठीक है, तो ये ऐसे करके सारे आंसर्स हो गए. बाकी इन आंसर्स का मेरे को कंफर्म नहीं है तो इनका मैं नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, इनको हम स्किप कर देते हैं. अगर ऑफिशियल आंसर की आई तो मैं आपको उसमें दिखा दूँगा इनके आंसर. ठीक है, इसका देख लो कृतम का क्या होगा. ठीक है, सो कृतम का होगा आपका कृत प्लस तम. ठीक है, फिर इसका क्या होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा. इसका क्या होगा, कृतवा का क्या होगा, क्री प्लस क. ठीक है, ये हो जाएगा. फिर कृत प्लस तुमुन का क्या हो जाएगा, कृत तुम हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कृदि तुम. फिर उसके बाद नंबर्स थे तो तीन को हम सॉरी तीन को हम त्रय बोलते हैं. ग्यारह को एकादश, एक को एक को हम लिखते हैं ऐसे एक का. ठीक है, पांच को पंच बोलते हैं और तीस को हम बोलते हैं त्रिशत. क्या बोलते हैं, त्रिशत. ठीक है, फिर उपसर्ग करना था इसका वी नियोदति. ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसका भी आंसर मैं शाम को बता दूंगा. ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कुछ खास नहीं थे, वो आप कर सकते थे. होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो. वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन.